part of a typical flower. तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले हमको पहले फ्लावर के बारे में जानना जरूरी है कि इसका कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो पहले फ्लावर को डिफाइन कर देते हैं कि फ्लावर इज नथिंग बट ए शूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। जाहिर बात है, एक तरह का शूट है फ्लावर भी, जो कि मॉडिफाई हो गया इसका पर्पज है रिप्रोडक्शन के लिए। जाहिर बात है, उसमें जो शूट है ये सब जो है इसका लीफ है जो मॉडिफाई हो गया, कलरफुल, कोई हरा हो गया है, कोई लाल हो गया है, पीला हो गया है, कोई मेल बन गया है, कोई फीमेल बन गया है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि नाम लिख है ना। तो इसमें जो है पहले जो है कंप्लीट फ्लावर हैज गॉट फोर डिफरेंट वर्ड्स, यानी घेरा और पार्ट्स हिस्सा होता है। उसमें पहला हिस्सा है जो वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे पहला घेरा जो है वर्ल्ड मने घेरा घेर, उसका एक मेंबर है सेपल जो आमतौर से ग्रीन कलर का होता है और जो है वो जो बर्ड कंडीशन में इट इज प्रोडक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड अंडर बर्ड कंडीशन, यानी कली की हालत में जो अंदर की अंदरूनी हिस्से को हिफाजत करता है। और आमतौर से ग्रीन होने की वजह से इसमें नूर तरकीब भी हो सकता है ना, तो वजह खराब भी करता है, लेकिन इसका मेन काम है प्रोडक्शन बर्ड कंडीशन में। और इसके बाद जब कली फूटती है तो बहुत सारा कलर निकलता है, फूल के जैसा फूल है वैसी कलर, तो इसलिए इसको कलरफुल है। और एक नाम है करोला पूरे वर्ल्ड का, और एक मेंबर है पैटल, ये कलरफुल होता है और उसका पर्पस है कि अपनी तरफ मुतवज्जा करना, ये कीड़ों मकोड़ों को या परिंदों को या कोई भी जानवर हो जो कि पॉलिनेशन करेगा। तो उसको जाहिर बात है इंसान भी जो है फ्लावर कलर देख के कुछ नमा देख के मुतवज्जा होता है। तो इसी तरह से कीड़े मकोड़े और परिंदे बहुत सा जो है, यहाँ तक के घोंगा और जो है वो बहुत सारे जो है चमगादड़ जो है वो हम बाद में पढ़ाएंगे पॉलिनेशन में। तो ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल फीमेल पार्ट जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, हमारे कॉलेज में हिस्सा लेता है। और ये अंडोशियम है मेल पार्ट, इसका एक मेंबर है स्टैमेन और उसको मेल पार्ट है। और ये क्या क्या इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पॉलिन यानी जरदाने को बनाता है, इसमें जरदाने बनते हैं। और ये जो है गाइनेशियम जो कि जिसका एक मेंबर है कार्पल जो फीमेल पार्ट है, और इसका काम है फल और बीज बनाना और फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो यही रह जाएगा आखिर में, ये सब जो है जब फूल की हालत में जब फल बन जाता है तो ये सब जो है हिस्सा जो है अभी आधे तौर पे रहते हैं, फिर बाद में मुरझा जाते हैं और ये जो है ये भी ख़त्म हो जाता है, ये रह जाता है जो कि बाद में फल और उसको सीड बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या भाई पेरियंट, यानी कभी कभी देखोगे कि सैपल पैटर्न को यो हम लोग तमीज नहीं कर पाएंगे कौन सा सैपल है कौन पर, क्योंकि एक ही रंग होता है। तो आमतौर से मोनोकॉट में या पाल क्या प्याज में देखोगे तो एक तरह का सैपल पैटर्न, तो कोई यू कॉन्ट डिफ्रेंशिएट विच इज सैपल विच इज पैटर्न, वो कंडीशन कहते हैं दोनों मिला के हमको कर दिया, तो इसको कहते हैं पेरियंट है ना। अब हम देखते हैं कि भाई इसी को नक्शा में देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फ्लावर है टिपिकल है ना, तो सबसे पहले जो है ये जो जिसमें फ्लावर जो अरेंज होता है उसको कह देते हैं थैलमस और सेपल, और जो इसका डंडी है उसका पेटल जो है ना पेडिसेरी यानी पेडिंकल, यानी इस पर उस पेडिंकल, उसके बाद थैलमस, उसके बाद ये पहला जो है और वर्ल्ड जो है सेपल का होता है जिसको उसको कैस भी कहते हैं, एक मेंबर है उसका सैपल। उसके बाद जो है पैटल निकला यानी कलर कोरोला, एक मेंबर हुआ पैटल। उसके बाद जो है मेल पार्ट जो उसका एक इसका स्टैमिन है एक मेंबर, और दो स्टैमिन दो उसका बोल दो पार्ट है, एक एंथर और ये फिलामेंट। ठीक है, और कार्पल का यानी एंडो गाइनेशियम का तीन पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल
एंड ओवरी। ओवरी में यूगल होता है अंदर में, ठीक है, जो कि बाद में बीज बनाता है और ये ओवरी फल बन जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद यानी जिंदगी के बाद। तो हम अलग अलग देखते हैं यहाँ पर, ये है कैलिक्स यानी सेपल, और कोरोला यानी पेटल हो गया रंगीन खुशमाना, और यह है एंथर, एंथर फिलामेंट है। ये एंथर को अगर काटा जाए तो उसमें देखोगे चार जो है पॉलिन से कि इसमें जरदाने रहते हैं यानी बहुत ही पीले रंग का यानी बहुत ही नन्हे नन्हे पौधे की तरह पॉलिन दिखाई देता है, लेकिन जो है हवा में उड़ सकता है या फिर किसी किसी कीड़े मकोड़ों के पैर में लग जाता है, जब वो बैठता है वो ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा पे, इसी को पॉलिन कहते हैं। वो चाहे अपने फूल पे हो सेल्फ पॉलिनेशन में और दूसरे दूसरे फूल में हो तो क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के बाद ओवरी में फूला हिस्सा होता है और जो है जो फल बनाता है और उसके अंदर ओव्यूल होता है, इसमें बाद भी बनाता है, ये इसका जो है ये सैपल रह गया है। क्योंकि किसी किसी फूल में जो है सैपल रह जाता है, जैसे बैगन में है ना, बैगन में कितना वो जो सैपल इसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट कैलिक्स यानी रह जाता है, यानी उसी को बोलते हैं बैगन राजा, उसका सर पे ताज है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये है वो फ्लावर का वो थैलेमस के हिसाब से, तो कभी ऊपर भी है नीचे भी है और वो कभी बीच में भी है, तो ये बात की बात है। तो हमने इन शॉर्ट जो है बता दिया कि ये चार हिस्सा है और सबके काम बता दिए और दिखा दिया कि उसके क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। तो इस तरह इसके साथ ही हम जो है अगली बार शुरू करेंगे। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन दे दिया ये क्या क्या पार्ट्स है और कौन से हिस्सा लेता है इसमें, ये जो है एक्सेसरी वर्ड है जो कि जरूरी है मगर जो कि मदद करता है रिप्रोडक्शन में, और ये जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये एक्चुअली हिस्सा लेता है जो कि बाद में चल के इसका फूल फल बन जाता है और इसके अंदर जो यूल है वो बीज बन जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हम अगला उसमें हम तो बात करेंगे कि कैसे पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी।